नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बुद्ध सर्किट के तहत बिहार की सड़कें जुड़ने वाली है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम चल रहा है। मीडियम चल रही खबरों की माने तो साल 2025 तक बुद्ध के सर्किट आपस में जुड़ने की बात कही जा रही है। इस सर्किट के तहत मुख्य 5 सड़कों को जोड़ने की बात कही गई, जिसमें पटना गया डोभी रोड, असम दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना रिंग रोड में रामनगर से कच्ची दरगाह, दरियापुर मानिकपुर साहिबगंज अरेराज बेतिया सड़क सहित गया हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ सड़क शामिल है। इसके माध्यम से राज्य में मौजूदा भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इससे राज्य में पर्यटन को विकास मिलेगा, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल राज्य में मुख्य स्थल बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और केसरिया है। बताया जा रहा है कि बुद्ध सर्किट के जुड़ाव उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट से भी होगा। उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट के तहत सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी और कपिलवस्तु मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि पटना गया डोभी 4 लेन NH-83 सड़क का निर्माण करीब 127 किलोमीटर लंबाई के करीब 1610 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ NH-119D असम दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 198 किलोमीटर लंबाई में करीब 6927 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर की लंबाई में पटना रिंग रोड में रामनगर से कच्ची दरगाह तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए DPR बन गया है। इसमें अलग से NH-139W दरियापुर मानिकपुर साहिबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन सड़क निर्माण 167 किलोमीटर लंबाई में बनने के लिए DPR बन रहा है। दोनों सड़कों का निर्माण इसी साल शुरू होना है और 2025 तक इसका काम समाप्त होने की बात कही गई है। पथ निर्माण विभाग की माने तो करीब 93 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन गया हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ सड़क NH-82 का निर्माण दिसंबर 2022 यानी कि इसी साल पूरा होने की संभावना जताई गई है। बुद्ध सर्किट के साथ साथ जैन सर्किट को भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भगवान महावीर का जन्म बिहार के जमुई जिले के लछुआर में हुआ था। बताया जा रहा है कि इसको जैन सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया जा रहा है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य की स्थली चंपापुरी में है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थलों में से एक माना जाता है, खास करके जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। कहा जाता है कि यहां दुनिया के कई देशों के श्रद्धालु व संतों का आना जाना लगा रहता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको जैन सर्किट से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब जो है बातें कहकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों स्थलों को जैन सर्किट के साथ भी जोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि बौद्ध और जैन सर्किट के जुड़ जाने के बाद से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग यहां की संस्कृति से अवगत हो सकेंगे, साथ ही साथ इन इलाकों का आर्थिक रूप से भी विकास हो पाएगा। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन के लिहाज से आपको विकसित किया जा रहा है, इससे कि इस इलाके के लोगों को आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ विश्व पटल पर इसकी एक अलग छवि देखने को मिलेगी। विश्व जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए एक अपनी एक अलग पहचान देश दुनिया में बना पाएगा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।